जय माता रा। आज आप लोगों को कुछ बात कहेंगे वो आपका जीवन में बहुत फलदायी है। आपका धर्म पर आपका अवस्थान क्या है, ये पहले आप लोगों को खुद को सोचना है। अपने आपका जीवन सुंदर करने के लिए सबसे पहले अपना धर्म पर श्रद्धा विश्वास होना एकदम जरूरी है। ये श्रद्धा ये विश्वास नहीं रहेगा तो आप आपका धर्म को आगे नहीं ले जा पाओगे। धर्म का मतलब को जरा समझने का कोशिश करो। खाली आप लोग सोच लेते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन वैष्णव ये सब वगैरह आप लोग सोच लेते हो। मेरा पास खाली इसी में आप लोग रोक के इसी में आप लोग मत रहिए। धर्म का मतलब आपका कर्तव्य, व्हाट इज योर ड्यूटी, ये पहले सोच लेना है। आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है। इसीलिए सबसे पहले क्या जरूरी बोले हैं, श्रृंखला परायण होना, उच्छृंखल जीवन यापन आपका जिंदगी आगे नहीं लेके जा पाएगा। इसमें क्या होगा, अपने अंदर एक द्वंद्वता रहेगा। एक तो आप अपने आप को विश्वास कर नहीं पा रहे हो, फिर आप शास्त्र को विश्वास कर नहीं पा रहे हो, फिर दूसरों का गलती आप लोग ढूंढने जाते हो। इस धर्म में ये लिखा हुआ है, इस धर्म में ये किए हैं, वो धर्म मेरा धर्म सही है आपका धर्म गलत है, ये आप लोग करने जाते हो। फायदा क्या इसमें, इसमें आपका ही नुकसान है। आप लोग क्या करते हो, दूसरों का गलती ढूंढने जाते हो, दूसरों का गलती देखते देखते आपको पता ही नहीं है आपका गलती कितना बढ़ गया है। दूसरों का गलती देखना एक तरफ से अपना परिचय ही देना है। तो इसीलिए सबसे पहले अपना धर्म पर अपना श्रद्धा होना चाहिए, तब आप दूसरों का धर्म को श्रद्धा कर पाओगे। जब तक आपका अपने आप पर विश्वास नहीं है, जब तक आपने आप पर आपका आपका धर्म का विश्वास नहीं है, तो दूसरों पर क्या विश्वास क्या भरोसा कर पाइएगा आप लोग। सिद्धांत ठीक होना चाहिए, विचार सही होना चाहिए। और क्या है, शास्त्र को आप लोग अपना जैसा बना लेते हो। इतने सारे महात्मा ने, इतने सारे मुनि ऋषियों ने, इतने सारे साधक ने इतना मेहनत करके इतना साधन के बाद एक एक ग्रंथ को लिखे हैं, बहुत अपनी अभिज्ञता से अपना ज्ञान से उपलब्धि से इतने सारे शास्त्र लिखे हैं। आप क्या किए, दो चार लाइन पढ़ लिए, बस अपना जैसा समझ लिए, शास्त्र का भीतर तक नहीं जा पाए। जो जैसा सोच के लिखे थे उसको आप खंडन करने जा रहे हो, ये गलत है, वो इधर है, वो ऐसा है, शास्त्र में गलत लिखा हुआ है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, आप लोग विचार करने चल जाते हो। जो खुद का विचार कर नहीं पाता वो दूसरों का विचार करने चला जाता है, वो शास्त्र में क्या गलतियां हैं वो ढूंढने जाते हैं। पहले अपना गलती को सुधार लो। कोई भी धर्म ग्रंथ में आप लोग गलतियां ढूंढने जाते हो, ये बंद करो। इस क्या से होगा, ये कहां से होगा, संस्कार से, आपका संस्कार से ही। देखिए आम का पेड़ में ना आम ही होगा, कभी इमली नहीं होगा जी। तो आपका संस्कार जैसा रहेगा आप ऐसा बन पाओगे। इसके लिए बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, श्रृंखला परायण होना है। शास्त्र में जो कहा है, आपका गुरु ने जो कहा है उसको मान्यता दो आप लोग, वो बात को आप लोग सुनो सही तरीका से, फिर
देखो ना आगे बढ़ पाते हो कि नहीं। नहीं, आप लोग ये नहीं करते हैं, खाली कौन गुरु क्या गलती कर रही वो ढूंढने जाते हो, कौन सही गुरु है कौन सही गुरु नहीं है, क्या आप सही हो ये कभी भी सोचे हो? ये सब पहले जरूरी है, ये सब समझने का आप लोगों को कोशिश करने होगा पहले। फिर क्या है, दूसरों का बात पर आ जाते हो आप लोग, दूसरों का बहकावे में आप लोग आ जाते हो। कोई कुछ आपको बोल दिया, आपका धर्म को लेके कोई कुछ बोल दिया, कोई टिप्पणी कुछ कर दिया, बस आप लोग भड़क जाते हो। ये आपका धर्म इतना ही कमजोर है क्या कि दूसरों का बात को आप इतना जल्दी ले ले आप भड़क गए? आपका धर्म कमजोर नहीं है, ये बात को समझना है। दूसरों का बहकावे में मत पढ़िए आप लोग, जो जैसा आदमी है वैसा ही उसका सोच होगा, ये आपको समझने होगा अच्छा से। और क्या है, आप लोग अपना धर्म को संदेह करते हो, आप लोग का कंफ्यूजन है इसमें, आप लोग को संदेहातीत होना है। क्यों क्यों विश्वास कर नहीं पाते हो आप लोग, क्यों आप लोग विचार करने जाते हो? जब आप ये सब जगह पर आप लोग सही हो जाओगे, अपने आपका धर्म को मजबूती से विश्वास जब तक कर नहीं पाइएगा आप लोग, तब तक दूसरों ने आके आपका धर्म को बदनाम करेगा ही, और आप कुछ बोल नहीं पाओगे। कोई कुछ बोल दिया मतलब आपका धर्म गलत हो गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आपका धर्म कमजोर नहीं है। आप देखिए ना, हिंदू धर्म इतना सनातन है, सनातन का मतलब को समझते हैं आप लोग? सब कोई तो क्या क्या ना बोलना चालू कर दिया अभी कि सनातन धर्म, सनातन धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन ही धर्म है। अजीब लगता है। सनातन का मतलब है आदि, हिंदू धर्म सनातन है, सनातन का मतलब आदि, आदि धर्म है, समझ गए? तो हिंदू एक धर्म है, गर्व से कहिएगा आप हिंदू हो। देखिए ना, आप अभी ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि बाहर से भी, देश विदेश से भी आके सब कोई आपका धर्म को अपनाने का कोशिश कर रहा है, जाने नहीं पड़ रहा। बाकी सब धर्म में देखिए, क्रिश्चियन धर्म में देखिए, छोटा छोटा गांव में जाइए आप लोग, छोटा छोटा गांव में जाइए, जितने सारे पहले का हिंदू थे उस जगह पर का किया, क्रिश्चियन जाके अपना धर्म को थोड़ा सा पैसा के जरिए बेचने का कोशिश कर रहा, बोलो कुछ पैसा दिया किसी को, कुछ थोड़ा सा छोटा छोटा घर बना दिया, कुछ खाना पीना दे दिया, लालच दे दिया, अपना धर्म को बेचने का कोशिश कर रहा। हिंदू धर्म बेचता नहीं है, बाकी सब धर्म बेचने का कोशिश करता है धर्म को। तो बाकी सब धर्म अपना दुकान बना लिया, हिंदू कभी अपना धर्म को दुकान नहीं बना लिया। तो अपना धर्म इतना कमजोर नहीं है, आप लोग सोच लेते हो, आप लोग समझ लेते हो, इसे अपने आप पर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, पीछे लौट के मत देखिए, आनंद में रहिए। जय माता राम। Ooh.